हेलो गाइस, ये हमारा पहला ब्लॉग है। अभी हम जा रहे हैं बीर हिमाचल। पता नहीं आवाज़ आ रही होगी या नहीं आ रही हो, मेरा थोड़ा गला भी बैठा हुआ है। तो अभी हम ट्रेन कालीपुर पे आ गए। ये है हमारी ट्रेन, ये हमारा कोच, टू टायर में ट्रैवल कर रहे हैं। मैं आपको पूरा कॉस्टिंग और वो सब बताऊँगा। और अभी ये मेरा, अभी देखते हैं क्या होता है, आगे रिकॉर्ड करेंगे। अभी इधर थोड़ा आवाज़ है, वो थोड़ा निगलेक्ट कर दीजिएगा, देखते हैं क्या होता है आगे। चलो जोधपुर आ गए हम। ये देखो, ये भाई है हमारे साथ। ये उनकी धर्म पत्नी है और ये उनके दोस्त है। मेरे दोस्त नहीं है क्योंकि वो मुझे भरोसा नहीं करते। हाँ, ये मेरे दोस्त इसलिए नहीं है क्योंकि ये मेरे पे भरोसा नहीं करते। रहते हम साथ में ही है कभी कभी, लेकिन फिर भी हम पे भरोसा नहीं करते। पता नहीं क्या वजह होगी। कोई दिक्कत नहीं, हम ट्राई करेंगे उनका भरोसा जीतने के लिए। कोई सेंस है इस बात की कि साथ में रहते फिर भी भरोसा नहीं है? कोई सेंस है इस बात की? और हम जोधपुर आ गए, आप देख सकते हो, दिखेगा तो नहीं फिर भी देख लो। तो अभी खाना मंगाया हुआ है, ज्यादा कुछ नहीं है, रोटी सब्जी ही है। तो वो आएगा फिर खाएंगे, आपको मैसेज वैसेज देंगे क्या? तो फिर अभी देखते हैं, मैं आपको उसका भी वीडियो दिखाऊंगा कि क्या मंगाया हुआ है। देखते फिर कैसा है। वो एक ऐप से मंगाया हुआ, रेलवे का जो है पता है ना, उससे मंगाया हुआ है। देखते हैं उसमें अच्छा आता है नहीं। और ये मेरा पहली बार है, ये मेरा पहली बार है ट्रेन में, जो इतना मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। 32 घंटे की ट्रेन है, देखते हैं कितना तक पहुँच पाते हैं। 27 घंटे, ओके 27 घंटे, 6 घंटे की बस जर्नी है। हम मोरबी से अभी जा रहे हैं बीर की तरफ। और प्लानिंग वानिंग जो भी है, कितना भी रहेगा कॉस्ट वोट, वो सब लास्ट में बताऊँगा, अभी नहीं। इसलिए ठीक है, चलो अभी बाद में मिलते हैं। चलो गाइस, खाना आ गया है, कलिंगा फूड एक्सप्रेस से आया है। सीट पे दे जाते हैं। तो हमने जोधपुर पे मंगाया हुआ था, मुझ 5 बजे आसपास मंगाया था, तो अभी आया। अभी टाइमिंग हो रहा है 7:30 बजे। ये रहा जोधपुर रेलवे स्टेशन। और मिक्स थाली मंगाई हुई है दो, तो 3 मंगाई है। तो फिर देखते कैसा है खाना, फिर अपन रिव्यू देंगे। लेकिन सर्विस अच्छी है, टाइम पे आ जाता है, तो आप ऑर्डर कर सकते हो। मतलब रेलवे के फूड से तो काफ़ी बेहतर है। ये खाना आ गया है, आप देख सकते हो। और ये मैम ने अभी छाछ ढोरा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। ये भाई तो खाने भी चालू हो गए, पैकिंग काफ़ी अच्छा है। ये छाछ का पैकिंग देखिए, कोल्ड कॉफ़ी जैसा लग रहा है, लेकिन छाछ भी बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छी है छाछ। और ये रोटी सब्जी और पंजाबी साग जैसा आप इधर देख सकते हो। और इनकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है, जैसा ये भाई बता रहे हैं। हेलो गाइस, हम फिरोजापुर अभी पहुंचे, सुबह के 10 बजे। ये लोग देखो खाना खा रहे हैं उठ के। ये लोग थोड़ा अनहेल्दी फॉलो करते हैं। ये भाई अभी तक पोटी नहीं गए। अपन अभी हेल्दी फॉलो करते हैं, इसलिए अपन ने नहीं खाया। अपन बाद में देखेंगे होटल पहुंच के कि क्या खाना है। तब तक के लिए बस थोड़ा छोटा मोटा कुछ खा के रहेंगे, ऐसा है। अभी कुछ 3 बजे आसपास पहुंचेंगे, अभी 10 बजे। फिरोजापुर से अभी भी है 3-4 घंटे का रास्ता, देखते हैं।
थोड़ा देखे इन लोगों को भी कैसे खा रहे। और इस रूट में कहीं पे भी चाय मत पीना क्योंकि वो पाउडर वाली होती है। अगर आपको भाती है तो पीना, नहीं भाती है तो पहले ही स्टॉक करके पी लेना अहमदाबाद साइड। ये भाई ने एक गैस स्टोव लिया है साथ में। हाँ, मेरे गैस की बात नहीं कर रहा वो। नहीं नहीं, इसकी गैस नहीं, आगे से छूटता है ये, पीछे से छूटता है ऐसा। तो गैस साथ में लेके तुम इधर भी चाय बना सकते हो अगर आती है तो, वरना ट्रेन को नहीं उड़ाने का है। मम्मी से मम्मी के लिए चाय पत्ती ले तो लगता है वो चाय वाले। ठीक है चलो, तो फिर आगे मिलते हैं। गाइस हम पठानकोट पहुंच गए, अभी 3 बज गए और हम पठानकोट पहुंच गए। अभी यहां से टैक्सी करके बीच जाएंगे, कुछ 5 घंटे का रास्ता है। हमने टैक्सी बुक कर दी है तो देखते हैं कब पहुंचते हैं। रात को कुछ 9-10 बजे पहुंचेंगे। सारे लोग आ चुके हैं, थोड़े थके हुए हैं। अगर आपको ट्रेन का ट्रैवल पसंद है तो ट्रेन में जाइएगा, वरना फ्लाइट थोड़ी बेहतर रहती है। हमने तो एक्सपीरियंस के लिए आए हुए हैं। हेलो, अभी पठानकोट पहुंच गए हैं तो अभी यहाँ से बीर जाना है हिमाचल, तो देखते हैं कैसे होता है। टैक्सी बुक की है, यहाँ से कुछ 200 किलोमीटर जितना होता है और फिर यहाँ से निकलेंगे। आधे घंटे में है, ड्राइवर आ जाएगा, बात बात हो गया। मतलब जनरली टैक्सी और वो सब होटल वाले ही अरेंज कर देते हैं, मतलब वो उसका एक्स्ट्रा चार्ज होता है, लेकिन वो नंबर्स और वो सब शेयर कर देते हैं। अभी पठानकोट के रेलवे स्टेशन के बाहर ही ये रेलवे स्टेशन है, उसके बाहर ही ये होटल है, कुछ पठानकोट आई लव पठानकोट करके ये होटल है। वहाँ पे अभी फूड टेस्ट कर रहे हैं कैसा है कैसा नहीं है, फिर उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे बीर की तरफ, फिर आगे देखते रास्ता कैसा है, कब पहुँचते हैं। अनुमान 200 किलोमीटर है तो 9 बजे आसपास पहुँचेंगे। और ये रहा अपनी पलटन है, इधर सारा लगेज और वो सब पड़ा हुआ है। तो देखते हैं कब पहुँचते हैं गाइस, फिर हम अपडेट करते हैं क्या है कैसा है, खाना कैसा है। खाने का थोड़ा 1-2 वीडियो क्लिक करेंगे। हाँ, छास ना दी तो सूझ है। हाँ तो दही गोरू है, कॉफ़ी ऐसे कॉफ़ी छे। हाँ तो कॉफ़ी कर दियो, कोल्ड शुगर कम डालना। तो ये रहे अपनी पलटन। तो हाँ, तो फिर बताएंगे कि खाना कैसा रहा कैसा है, उसके बाद अपडेट करते हैं। देखो ये लोग फोटो खींचने में चालू हो गए। फिर देखते हैं, फिर बताता हूँ खाना कैसा है क्या है, उसकी फ़ोटोज़ भी डालूंगा क्या खाया क्या नहीं। अभी तो सिर्फ लाइट ही खाना है क्योंकि फिर रास्ता वैसा है, तो उसके लिए फिर वहाँ जाके हम प्रॉपर डिनर करेंगे। अभी थोड़ा सा खा लेते हैं। ठीक है, सारा सामान और वो सब लोड कर दिया है और अभी हम निकलेंगे बीर के लिए। टैक्सी आ गई है, 5 घंटे का रास्ता है, देखते ही। हेलो, तो यहाँ पे हम चाय पीने के लिए रुके हुए हैं। ओ भाई, इनको तो देखो चाय पीने की कितनी जल्दी है कि हमारे ब्लॉग में भी नहीं आना चाहते ये लोग। हाँ, आपको कैसा लग रहा है काफी टाइम बाद चाय पी के? मतलब अभी पीने वाले हो लेकिन फिर भी मैं चाय पी के बताऊंगी। यस, ओके, पूछ लेते हैं हम। भाई आपको चाय पीने की है? चाय
चाय पीने की आपको? हाँ हाँ पीने की है। तो हम ये कौन सा सत्यम भोजनालय है, वहाँ पे हम चाय पीने के लिए रुके हैं। ये रही वो स्टॉल, आप पीछे नज़ारा देख सकते हो, एकदम चिल्ड है अभी, चिल्ड, काफ़ी चिल्ड है। और ये पेड़ देखो काफ़ी बड़ा हुआ है। ओ भाई, तुमको आने का है नहीं आने का है, क्या कर रहे हो यार? मैं तो सबसे पहले आया था। आपको कैसा फील हो रहा है पाउडर वाली चाय पीने के बाद ये वाली चाय पीना? ये अभी पीते हैं, बाद में बोलते हैं। तो तुम उनको कुछ ज्ञान नहीं दोगे कि किस हिसाब से बनाने की है? बोला ना कड़क चाय पीना है। कड़क चाय? हाँ ठीक है, देख के। और कुछ कड़क तो नहीं पीने का है ना, आदू वाला डाल के पूरा? नहीं नहीं कभी नहीं। इतना शर्मा क्यों रहे हो? तो कैसी लगी चाय? अच्छा, मतलब चाय के रिव्यू अभी अभी तक ठीक रहे है, फिर आगे देखते कैसा है। यहाँ पे अभी तक जितनी बार पी है उसके बाद तो काफी अच्छी है, तो फिर देखते कैसी है। ये वही चाय, चाय के साथ पार्ले जी खा रही है। लोग कितने अनहेल्दी है, मैं नहीं पी रहा हूँ। सबका बॉडी देख लो, मैं ज्यादा ही फिट लग रहा हूँ। चाय नहीं पीता ना ही पार्ले जी खाता क्योंकि अनहेल्दी। गाइस, तो हम यहाँ होटल में पहुँच गए, तो अभी थोड़ी देर पहले ही पहुँचे, चेक इन वेकिंग किया सब किया। इधर बहुत ज़्यादा ठंडी है, कुछ 14 डिग्री सेल्सियस है, तो ठंडी बहुत ही ज़्यादा है। अभी फूड ऑर्डर किया है यहीं पे ही, और हमारी होटल का नाम है, यहाँ आप शायद लाइट की वजह से नहीं देख पा रहे हो, लेकिन होटल का नाम है द ट्रिपी ट्राइब। लोकेशन काफ़ी बढ़िया है, सारी होटलों से ऊपर है, और ऊपर ऊपर टेरेस का व्यू एकदम क्लासी है। सुबह दिखाऊंगा क्योंकि अभी तो अंधेरे में दिखेगा नहीं, बस ये हल्की सी झलक थोड़ी देख लो, ऐसा है। वहाँ पे किचन है और वहाँ पे डिनर के लिए है, और यहाँ पे बॉनफायर भी है क्योंकि कुछ लोग बैठे हुए हैं। तो अभी ऑर्डर किया है चाइनीज़ और सैंडविच और वो सब, क्योंकि अभी इसमें इधर यही मिल रहा है, और नॉनवेज के भी ऑप्शंस हैं। और रूम काफ़ी बढ़िया है, मैंने रूम का वीडियो भी बनाया हुआ है, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि कैसा रूम है। रूम एकदम बढ़िया है, क्लीन है। आई रिकमेंड, हाईली रिकमेंड कि आप इधर आओ, आपको अच्छा लगेगा। और इधर गेम्स भी है, PS5 तो नहीं है लेकिन वैसी ही गेम्स है जॉयस्टिक वाली, तो आप वो भी खेल सकते हो। ऊपर माइनर TT टेबल्स भी है, और काफ़ी अच्छा लोकेशन है। तो आगे मिलते हैं, और सबसे ऊपर है, मतलब एक स्लोप है, बहुत लंबा स्लोप होगा, 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर का। अगर आप रात को आए तो आप बाइक रेंट नहीं कर सकते, तो आपको वॉकिंग करके नीचे जाना पड़ेगा, और वैसा है, लेकिन काफ़ी बढ़िया है, टॉप पे है, तो काफ़ी अच्छा है। और देखते आगे आगे और वीडियोस डालेंगे, और आपको दिखाएंगे भीड़ के बारे में, यहाँ क्या करने लायक है, कौन सी चीज़ हम कर सकते हैं और कौन सी चीज़ हम करेंगे, वो सब हम देखेंगे। प्लान है, इधर एक वाटरफॉल हाइकिंग भी है, तो वो कैसे होता है क्या होता है, तो वहाँ पे भी हम जाएंगे, तो आगे उसके भी वीडियोस आएंगे, तो देखते हैं क्या होता है।
तो आपको कैसा लग रहा है इधर आके? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा मतलब? बहुत ठंडा। होटल कैसी लगी, मतलब हॉस्टल कैसी लगी? हॉस्टल तो अच्छी है, अभी बहुत रहेंगे, बाद में एकदम अच्छा एक्सपीरियंस बता सकेंगे। रूम कैसे लगे? रूम बहुत अच्छे हैं। एंड आर्टवर्क हियर इज ऑसम। अच्छा, वॉल पे आर्टवर्क है। आर्टवर्क अच्छे लगे आपको? कितना क्लियर स्काई देखा है यहां। और आपको क्या अच्छा लगा भाई साहब? डिसेंट ठंडी लग रही है। आप इतने दुखी की हो? दुखी नहीं हूँ, ठंड लग रही है भाई। अच्छा, इधर से ऊपर आसमान काफी अच्छा है, दिखेगा तो नहीं इतना, लेकिन फिर भी अभी मिलते हैं खाने के बाद। क्या ऑर्डर किया वो भी आपको दिखाऊंगा। एकदम नानू लग रही है, कैसा था फूड वाइज टेस्ट किया, खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए कैसा है वो भी मैं आपको जल्दी बताऊंगा। तो एकदम इसलिए अभी हम उठ चुके हैं और 10 बज चुके हैं। अभी हम उठे और थोड़ा फ्रेशन अप वैसन हम सब हो गए, थोड़ा फेस वो सब। अभी पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा है और गर्म पानी अभी आ नहीं रहा है, तो मुँह वो सब धो लिया है। तो अभी सब रेडी हो रहे हैं, मैं रेडी हो चुका हूँ। तो सोचा कि आपको बाहर का थोड़ा व्यू दिखाऊँ कि कैसा हमारी होटल से दिख रहा है सेकेंड फ्लोर से। इट्स एन अमेजिंग व्यू, लेट्स सी। देख रहे हो आप ये, और यहाँ नीचे खेती भी हो रही है, आपको इसमें तो नहीं दिखेगा लेकिन खेती हो रही है। और यू कैन सी ओवर देयर, इट्स अ माउंटेन, स्नो माउंटेन। तो और भी ऊपर तक है, देख रहे हो लास्ट तक है। और यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे पैराग्लाइडिंग हो रही है, तो कितने सारे पैराग्लाइडिंग हमने देखा अभी उड़ते हुए। हम भी करेंगे अगर हमें अलाउ किया गया तो, क्योंकि इसमें वेट होता है कुछ 90 अप्रोक्स होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो अपना फ़िलहाल अभी ज़्यादा है तो हम शायद नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको एक्सपीरियंस ज़रूर दिखेंगे क्योंकि हम जाने तो वहाँ ज़रूर वाले हैं इसलिए, क्योंकि बाकी सब दोस्त लोग करेंगे। ये देखो ऊपर तक, बहुत ऊपर तक है, बहुत अच्छा व्यू है यहाँ से। और ये हमारा हॉस्टल का ही गार्डन है, यहाँ पर हम बैठ के ब्रेकफास्ट करेंगे अभी। तो यस, आप देखो ये व्यू, और मैं आपको थोड़ा सा व्यू भी डाल दूंगा तो आपको प्रॉपर तरीके से दिखेगा अभी वो, आप अभी देखोगे। इधर 2 किलोमीटर तक का नीचे का चलने का रास्ता है, तो ये एक टाइप का माइनर ट्रेनिंग ट्रैकिंग ही हो जाएगा। ये गाड़ी आ रही है, इधर का रास्ता बहुत ही कॉम्पैक्ट है, अगर एक गाड़ी आती है तो दूसरी गाड़ी को।